तो लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि भाई जी नजरा के ब्लॉग को देखकर बहुत ही ज्यादा डरते हुए क्या था कि अरे मम्मी बचा रहे ये बंदा तो ग्रैंड मास्टर लेवल का पर्सन निकला। जिस पर आप सीन चेंज होता है और इधर हम दाली सेट का सीन देखते हैं। इधर डीना सेट में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचते हुए कहते हैं कि वो लड़का भाई जी वाकई में जीनियस है। उसने हमारे सेट के डिसेबल यहाँ तक बेटी लूमिंग को भी कितनी आसानी से डिफीट कर दिया। खैर वो सब छोड़ो, बताओ भी बेटी लूमिंग कहाँ है। तब मैडम यून कह दी आज की फाइट में हारने की वजह से वो काफी ज्यादा अपसेट हो गई है, शायद अपने कमरे में खुद को रिकवर कर रही होगी। जिस पर अब ये लोग यहाँ ये सारी बातें कर ही रहे हो देखते हुए अजूरा का वो ब्लो यहाँ से भी दिखने लगता है। तब मैडम यून थोड़ा शौक होते हुए कहती है कि वो क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं डीमर सेट वाले द्वारा हमारे सेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी बड़े अटैक की तैयारी कर रहे हैं। जिस पर अभी सब सोचते हुए सारे लोग बाहर आते हैं। तब एक सब लोग कहता है डीन वो तो किसी ग्रैंड मास्टर लेवल के पर्सन की पावर लग रही है। जिस पर डीन भी अब बहुत ही शौक होते हुए कहता है ये तो किसी की स्वॉर्ड लाइट है, ऐसा लग रहा है कोई रियल स्वॉर्ड मैन एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इतना पावरफुल पर्सन इतनी रात उस फॉरेस्ट में क्या कर रहा है और आखिर वो पर्सन है कौन। तब इधर भाई जी ने स्वॉर्ड लाइट को देखते हुए कुछ बोलने की कोशिश करता है, मगर डर के मारे से मुंह से कुछ निकलता ही नहीं। जिस पर अजूरा भी इसकी हालत देखते हुए शांत हो जाता है। तब भाई जी ने डर के घूट पीते हुए अजूरा की ओर देख के कहता है कि इतना टेरिफाइंग पावर तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा, ये पर्सन तो मेरे सेक्टर के एल्डर से भी ज्यादा पावरफुल है, नहीं नहीं बल्कि मेरे ग्रैंड फादर से भी ज्यादा पावरफुल। जिस पर अजूरा भी इसके पास मौजूद एक टेक्निक और शॉट को लेते हुए कहता है कि इन दोनों चीजों के बदले मैं तुम्हारी लाइफ को बख्श रहा हूँ। तब भाई जी ने बहुत ही डरते हुए पूछता है एक सीनियर क्या दायलिंग सेट से है, जिस पर अजूरा सीरियस मूड में आते हुए कहता है एक दफा हो जाओ यहाँ से, और याद रखना तुम अभी ताली साइड के डिसाइबल की जैसे दिखने वाले एक पर्सन से मिले थे, ना तो तुमने उस पर्सन का चेहरा ठीक से देखा और ना ही तुमने क्लियरली ये भी देखा कि वो ताली साइड है या फिर नहीं, तुम समझ गए ना मेरा मतलब क्या है। तब आज भी सीनियर कहते हुए अब दौड़ के यहाँ से भागने लगता है और भागते हुए कहता है कि आज तो जान बाल बाल बच गई, इसका मतलब सच में ताली साइड में मोस्ट पावरफुल हिडन जीनियस है, लेकिन कैसे ये लड़का तो दिखने में मुझसे भी छोटा लग रहा है। और अब यहाँ से जाते हुए अजूरा एक शांत प्लेस में आ जाता है। इन दोनों चीजों को देखते हुए क्या था कि पता नहीं इन दोनों चीजों को मर्ज करने के बाद मेरा टेक्निक और वेपन कितना ज्यादा अपग्रेड होगा। तब कॉस्मोस अब यहाँ पर होते हुए क्या देखिए एक सेकंड लेवल की हाई ग्रेड का स्वॉर्ड है और ये टेक्निक भी एक अर्थ लेवल की धर्मा टेक्निक है, क्या अजूरा इन दोनों चीजों को भी इंटीग्रेट करना चाहता है। जिस पर अजूरा क्या था बिल्कुल हाँ जल्दी से मर्ज करो इन दोनों को। तब कॉस्मोस अब इन दोनों ही चीजों को अजूरा के वेपन और टेक्निक के साथ मर्ज करना शुरू कर देती है और करते हुए क्या जिनो स्वॉर्ड में बाईस पावर की एबिलिटी आ गई है। इसके अलावा जिनो इमॉर्टल टेक्निक भी 20% तक अपग्रेड हो चुका है। जिस पर अजूरा क्या है कि आइस पावर यानी अब मैं आइस के अटैक को भी क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन इन चीजों से मेरी टेक्निक और वेपन बहुत ही स्लोली अपग्रेड हो रहे हैं, मुझे जल्दी से तारीख सेट में मौजूद उन एंशिएंट टेक्निक्स को ढूंढना होगा तभी मैं अपने इन दोनों चीजों को बहुत ही फास्टली अपग्रेड कर पाऊंगा। तब सीन चेंज होता है हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहाँ ग्रेट रिवर सिटी में चारों तरफ बस ये न्यूज चल रही थी कि कल देर रात नाइन शॉर्ट साइड का भाई जिन किसी से डिफीट हो गया, जिस पर ही मौजूद एक आदमी पूछता है कैसे वो तो एक जीनियस डिसाइबल है। तब बगल वाला आदमी कहता है कि वो शायद कल दैलिक साइड को चैलेंज करने गया था, जिस पर यह आदमी पूछता है तो इसमें बड़ी बात किया है दैलिक साइड को तो उसने बहुत ही आराम से हरा दिया होगा। तब बगल वाला आदमी कहता है हाँ उसने हरा तो दिया था मगर रात में जब वो फॉरेस्ट में रुका था तभी एक दैलिक साइड डिसाइबल जैसे कपड़े पहने एक डिसाइबल ने उसे डिफीट कर दिया। जिस पर अब ये वेटर बता दें कि जब वाइजिन दालिंग सेट से वापस अपने सेट में लौटा तो वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। उसे ग्रार भाई काफी पूछने पर वाइजिन ने बताया कि वो कन्फर्म तो नहीं लेकिन शायद दालिंग सेट जैसे दिखने वाले एक डिसाइबल ने उसे डिफीट किया है। तब आसपास के लोग कहने लगते हैं कि इसका मतलब अगर ये बात सच है तो इसका मतलब दालिंग सेट के पास वाकई में हिडन जीनियस है। जिस पर अब सीन चेंज होता है हमें जेट सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ यंग मास्टर अपने फादर से कह रहा था कि पिताजी आपने सुना वाइजिन डिफीट हो गया और वो अब हमारे प्लान में दालिंग सेट के खिलाफ साथ नहीं देगा। तब एल्डर कह रही जाने तो हमारे पीछे अभी भी डीवर सेट का हाथ है, शायद आली सेट के पास कितने छिपे हुए जीनियस क्यों ना मगर हम उस सेट पे कब्जा करके रहेंगे क्योंकि ताली सेट डिसाइबल डीवर सेट और जेट सेट डिसाइबल सामने कुछ भी नहीं है। जिस पर यंग मास्टर भी हंसते हुए क्या था कि आपने बिल्कुल सही कहा डीवर सेट सामने भला कोई टिक सकता है क्या। तब वाले सैन क्या था कि हमें डीवर सेट को रिटर्न में उस पर्सन अशुरा को ढूंढ कर देना होगा वरना पता चलेगा ताली सेट में कब्जा होने के बाद उन लोगों ने हमें ही साइड कर दिया। जिस पर जंगली पूछता है फादर आखिर अशुरा किस टाइप का पर्सन है जो खुद डीवर सेट एम्परर भी इसे ढूंढ रहा है। तब एल्डर क्या था कि मुझे क्लियरली नहीं पता, शायद सजुरा ने डीमन क्वीन के साथ कुछ लफड़ा किया था जिस वजह से जंगली अब बहुत ही शौक होते हुए किया था कि क्या मगर डीमन क्वीन द्वारा से 300 साल पहले ही गुजर चुकी है। तब जैंग बता दें डीमन क्वीन डीमन सेक्टी मोस्ट पावरफुल पर्सन थे जो एक साथ 3 बड़े बड़े सेक्टरों पर रूल करते थे, लोग कहना की उनकी बॉडी ऐसी थी मानो वो चांद और सूरज ही बेटी हो। जिस पर जोंगली भी किया हाँ मैंने भी सुना था कि जब वो किसी सामने आती थी तो हमेशा अपने चेहरे पे एक ब्रोंज मास्क लगाए हुए आती थी ताकि कोई भी उसका रियल फेस ना देख सके। कुछ लोग कहना था कि ऐसा वो इसलिए करती थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी या फिर बहुत ही ज्यादा अगली। तब वाले जैंग बीच में टोकते हुए कहते हैं हम अगर डीमन सेक्ट के मामले से दूरी रहे तो ही हमारे लिए अच्छा होगा, वो हमारी हेल्प कर रिटर्न में हमें भी उनकी हेल्प करनी है बस बात खत्म।
और अब सीन चेंज होता है, रमेदानी सेट का सीन दिखाया जाता है। जार्डिन क्या देखिए, आप लोगों ने तो ऑलरेडी सुन ही लिया होगा कि आखिर बाहर सिटी में क्या रूमर्स चल रहा है। तो अब सारे लोग भी हंस क्या दे है, जिस वडीन कहते हैं चारों तरफ सिटी में ये रूमर फैल चुकी है बाइजिन को जिसने डिफीट किया वो हमारे सेट का है। क्या मैं जान सकता हूँ क्या कोई हमारे सेट का कोई डिसाइबल कल फॉरेस्ट में गया था? तब लूमी कहती है फादर हमारे सेट में जितने भी मास्टर या फिर डिसाइबल है उनमें से कोई पर्सन रात में मिसिंग नहीं था। जिस पर अभी एल्डर भी कहते हैं डीन अगर सच में पर्सन हमारे सेट का होता तो क्या हमें पता नहीं चलता। मुझे पूरा यकीन है कि ये बस एक रूमर है, हमारे सेट का कोई भी डिसाइबल इतना पावरफुल हो ही नहीं सकता। तब लूमी कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे सेट का कोई डिसाइबल अपनी पावर्स को जानबूझ कर हाइड कर रहा है। जिस पर एल्डर कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, भला हमारे सेट में होकर किसी डिसाइबल को अपनी पावर छुपाने की क्या जरूरत। और दूसरी बात, यहाँ पर किसी को ठीक से हाई लेवल की पावर को कल्टीवेट करना नहीं आता तो पावर्स ये लोग क्या ही छुपा लेंगे। मुझे लगता है बाइजिन बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था जो हर सेट में जाके चैलेंज करते रहता था, इसलिए किसी आउटर सेट के मास्टर ने उसे एक अच्छा सबक सिखा दिया और उस मास्टर को कोई प्रॉब्लम ना, इसलिए उसने जानबूझ कर ताली सेट के कपड़े पहने होंगे क्योंकि बाइजिन के ग्रैंडपा भी एक पावरफुल पर्सन है। तो अब डीन कहते हैं हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों पहले डिमर सेट के अटैक से जिस पर्सन ने हमें बचाया था उसे भी पता अभी अच्छे से नहीं चला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों ही मामले के पीछे एक ही पर्सन का हाथ है? और फिर डेना ऑर्डर देते हुए क्या देख, तुम सारे लोग जाओ और जाके पता करो कि जब जब ये घटनाएं होती है तो क्या हमारे सेट का कोई डिसेबल या फिर मास्टर गायब रहता है। तो मैडम ये कह दी भाई क्या हम सफाई कर्मी बावर्ची और बाकी लोग जो सेट के लिए काम करते हैं उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेट करें। जिस वडेन क्या देखिए उन तुम ये क्या बोले जा रही हो, अगर कोई पर्सन इतना पावरफुल है भाई जिन्होंने डीमा सेट से भी भिड़ सकता है तो क्या वो हमारे सेट में झाड़ू लगाएगा? इसलिए वर्कर्स के ऊपर फालतू में सब करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैडम ये कह दी हाँ ये बात भी सही है, वो लोग तो बस एक मामले से तनख्वाह के लिए काम करते हैं, इतना पावरफुल आदमी तो किसी महल में रहता होगा या फिर किसी बड़े सेट का मास्टर होगा। जिस पर अब सीन चेंज होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूमी का विली के पास बैठ के खुद से ही क्वेरी होती है कि आखिर वो मिस्टीरियस पर्सन दिखता कैसा होगा, क्या ये बात सच होगी जिसने हमें डिवर्स सेट से बचाया और जिसने बाइजिन को डिफीट किया वो दोनों पर्सन सेम ही है, और ये बात सच हो जाएगी वो पावरफुल पर्सन हमारे सेट का है तो फिर कितना अच्छा होगा, मैं उसे कितने सारे हाई लेवल के टेक्निक्स को सीखते। और फिर लूमी का खुद से कह दी कि पागल तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े ख्वाब देखने लगी हो, इतना पावरफुल पर्सन भला हमारे सेट का कैसे हो सकता है, और वो सीनियर हमारे सेट के होते तो क्या कभी होता है सेट में इतना वीक होने देते। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।